हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दानिश पठान यूट्यूब चैनल में। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले लाइट स्पीड कैच के बारे में। ओके, बहुत सारे कैच के प्लगइन होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप होस्टिंग यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मदद मिल सकती है इस प्लगइन के मार्फत। ओके, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह उसका इंटरफेस है, लाइट स्पीड कैच का। ओके, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ये जो है मदद करता है। ओके, तो आपने ज़रूर इसका जो है यूज़ करना चाहिए। तो इसके किस तरह से सेटिंग करना होती है, इसकी सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, तभी जाके आपको जो इसका रिजल्ट मिलता है। अंदर हम अगर जाते हैं प्लगइन के अंदर, तो हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया है, लेकिन आपको अगर सबसे पहले क्या काम करना है वो बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जाना होता है प्लगइन के सेक्शन में, और यहाँ पर टाइप कर देना है आपने लाइट स्पीड कैच। ओके, तो यहाँ से अगर मैं टाइप करता हूँ लाइट स्पीड कैच, तो यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले, आप देख सकते हो लाइट स्पीड कैच कुछ इस तरह से, और आपने इसे जो है सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लोगो कुछ इस तरह से, इसे एक्टिव कर देना है। एक्टिव करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर देखो तो यहाँ पर आपको लाइट स्पीड कैच का सबको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डैशबोर्ड से। अगर हम डैशबोर्ड पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ नज़ारा दिखाई देगा। अगर हम कुछ ऑप्टिमाइज़ करते हैं सब यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं सबसे पहले जनरल के अंदर। ओके, सबसे पहले आपको जाना है जनरल के अंदर, और यहाँ पर कुछ सेटिंग करना है। ओके, सबसे पहले अगर आपकी आपकी डोमेन की नहीं होगी तो सबसे पहले आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट कर देना है। रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ मिनटों के अंदर ये डोमेन की आ जाएंगी। ओके, तो थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे रहने देते हैं, कुछ देर के बाद यहाँ पर डोमेन की दिखाई देंगी। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पर आते तो आपका सर्वर आईपी जो भी है वो आपको यहाँ पर डाल लेना। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये होने के बाद यहाँ पर सेव कर देना है। ओके, सेव करने के बाद उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पर जो है कैचे पे क्लिक कर देना है। ओके, कैचे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ से सेटिंग किया, आप देख सकते हो यहाँ पर एनेबल कैचे ऑन किया है, कैचे लॉगिन यूजर ए भी ऑन किया है, ये सब कुछ सेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, यहाँ पर नीचे आप देखोगे कैचे मोबाइल, इसे जो है आप रहने देना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने अगर सेकेंड इसके अंदर आते तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर सेटिंग नहीं करना है। ओके, सेटिंग नहीं करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अगर सेव करते हो तो सेव कर लेना, अदरवाइज वैसे भी रहने दे सकते हो। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर इतना कुछ नहीं है। उसके बाद आपने सीधा नीचे आना है सीडीएन पे। ओके, जैसे आप सीडीएन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ओके, इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे मेन चीज़ आपकी आ जाती है यहाँ पर नीचे इमेज ऑप्टिमाइजेशन में। ओके, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके जितने भी इमेजेस है वो ऑप्टिमाइज किया जाता है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है इमेज के अंदर। ओके, इमेज के अंदर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है ऐटो पोल कौन है जो ऑन रहने देना है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, ओके, तो यहाँ से लेजी लोड ऑन कर सकते हो आप। ओके, उसके बाद अगर नीचे आते हो तो यहाँ पर इमेज वेब रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। ओके, इसे मैं क्लिक कर दूँ, क्योंकि आपकी जो भी इमेजेस होगी अगर जेपीजी पीएनजी जो भी डालते हो तो वो जो वेब पी में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे इमेजेस होते हैं वो जो है जेपीजी होता है, उनका फॉर्मेट जेपीजी होने के कारण उसको जो है ज़्यादा फाइल साइज लगती है। ओके, नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज क्वालिटी कंट्रोल एडिट टू रहने देना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, सेव करना है। ओके, सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर फिर से आ जाना है इमेज ऑप्टिमाइजेशन में, और आपने क्या करना है, सेंड ऑप्टिमाइजेशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, तो आपके जितने भी इमेजेस है वो सब जो है ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1% जब वो 100% हो जाएगा तो आपके जितने भी इमेजेस है वो सब ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपने नीचे आना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पर है पेज ऑप्टिमाइजेशन में। ओके, जैसे आप पेज ऑप्टिमाइजेशन में आ जाते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ सेटिंग आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अभी यहाँ पर देखो तो CSS यहाँ पर आपने ऑन कर देनी है, उसके बाद CSS कॉम्बाइन ये भी ऑन कर देना, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में CSS का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इससे आपकी वेबसाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, इसलिए मिनिमाइज ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। ये जो दो सेटिंग है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, CSS कॉम्बाइन और CSS मिनिफाई, इसे दोनों को ऑन रहने देना है। ओके, उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपने जो है फॉन्ट का या फिर इनलाइन ये जो है इसे ऑफ रहने दे, इसे जो है आप डिफॉल्ट पर रहने दे सकते हैं। उसके CSS अपीयर ये भी जो है ऑफ रहने दे सकते हैं, ये जो है आपने ऑन कर देना है। ओके, उसके बाद आपने जो है जनरेट इसे जो है ऑफ रहने देना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर GS सेटिंग पे आ जाना है। GS सेटिंग के बाद आपने इसे भी ऑन कर देना है, GS कंपनी को भी जो ऑन कर देना है। ओके, इस तरह से आपने सेटिंग करना है। उसके बाद अगर HTML में आते हो तो इसे भी ऑन कर देना है। ओके, उसके बाद नीचे आते हो, नीचे कुछ काम का है क्या, ये जो फॉन्ट है रिमूव गोल
गोल्ड फंड ये भी ऑन कर देना है ओके, क्योंकि जो भी आपको गोल्ड फंड होता है वो जो है लोड होने में टाइम लेता है, इसलिए आपने जो इसे ऑन कर देना है। उसके बाद वर्डप्रेस इमोजी इसे भी ऑन कर देना है, रिमूव सेटैक ये इसे ऐसे रहने देना है ओके। उसके बाद यहाँ पर आप मीडिया के अंदर लेजी लोड ये ऑन कर देना है, उसके बाद रिमूव इसे भी ऑन कर देना है ओके। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर कुछ काम का है, ये दे सकते हो लेजी लोड फ्रेम ओके। अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हो, यूट्यूब की अगर आप यूआरएल डालते हो या फिर किसी भी तरह की आई फ्रेम डालते हो तो इसे ऑन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ओके। इस तरह से आप सेटिंग करना है। उसके बाद आगे आते हैं, आगे कुछ काम का है या नहीं ये भी कुछ काम के नहीं। यहाँ पर मीडिया के ऊपर आते हैं, मीडिया के ऊपर जो है यहाँ भी कुछ नहीं है कहना जैसा। उसके बाद लेजी लोड यहाँ पर जो है ग्रेविटी कैचे, अगर आपको ग्रेविटी कैचे भी आपने ऑन कर देना है, ग्रेविटी कैचे क्रोन इसे ऐसे रहने देना है, ये भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। लोकेस रिसोल इसे वैसे रहने देना है ओके। उसके बाद यहाँ पर टर्निंग ऑन पे भी कुछ करना नहीं, अगर आप इससे निकालते हो तो आपकी वेबसाइट जो है ब्रेक हो सकती है ओके। ये भी निकालना होता है, लेकिन जो टेक्निकल पर्सन नहीं है उन्होंने ये जो है नहीं निकालना, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो यहाँ से ब्रेक भी हो सकती है ओके। उसके बाद अगर आप आगे आ जाते हो, यहाँ भी कुछ निकालने या डालने जैसा कुछ नहीं, तो यहाँ से आपने सिंपल सा पूरा सेव कर लेना है ओके। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस हो चुके हैं ओके। यहाँ पर नीचे आते हैं हम डेटाबेस पे अगर आपने यहाँ पर देखना है कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो उसे ही रहने देना है। यहाँ पर ट्रैश कमेंट जो आपने ऑन रहने देना है, ट्रैकर्स इसे भी ऑन रहने देना है, और यहाँ पर ऑप्टिमाइज टेबल इसे भी ऑन रहने देना ओके। बाकी जो है इस तरह से रहने देना है ओके। इस तरह से इसकी पूरी सेटिंग हो चुकी है, अब इस तरह से इसके अंदर सेटिंग कर सकते हो और सब कुछ आपको यहाँ से आसानी से देखने को मिल जाएगा ओके। दोस्तों तो आज के लिए इतने, दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।